दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9810089168। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े भ्रष्टाचार में वांछित पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलन जरांडो टोलेडो को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्हें एक रात जेल में रखने के बाद अधिकारियों ने सुबह छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की मस्जिद की घटना को लेकर विवादित बयान देने वाले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर फ्रेजर एलिंग के सिर पर अंडा फोड़ने वाले युवक के इस कार्य से खुश होकर दुनिया भर के लोगों ने $43,000 का डोनेशन दिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार की पूरी बहस चौकीदार शब्द पर अटक गई है और इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 500 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार कैंपेन को और भी अधिक प्रचारित करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी डीएमके ने आज पार्टी की घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में वे जीतते हैं तो जेल में बंद राजीव गांधी कांड के आरोपी को रिहा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा पत्र में एक अजीब वादा भी किया है जिसके तहत अगर उनकी सरकार आती है तो नोटबंदी के पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बसपा और सपा पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार और पिछली सरकार के कार्यों की तुलनात्मक आंकड़े पेश किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट पर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दिया है जिसके तहत पार्टी अध्यक्ष अजीत चौधरी पश्चिमी यूपी की प्रतिष्ठित मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ और भाजपा के लोग पूरे हिंदुस्तान पर नागपुर की सोच को फैलाना चाहते हैं और स्थानीय संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत दी जाए क्योंकि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर सिन्हा के खिलाफ आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में छात्रों से 5 और साल के लिए आशीर्वाद मांगने के मुद्दे पर करवाई गई है। प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पर तंज कसते हुए कहा कि यह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन विकास और योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने दावा किया कि वह रोज जनता से मिल रही हैं और सभी लोगों का कहना है कि वो सरकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ईवीएम स्ट्रांग रूम मामले में डीसी शिमला पर गाज गिरी है क्योंकि आयोग के सख्त निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने डीसी अमित कश्यप को हटा दिया है और राजेश्वर गोयल को शिमला के नए डीसी नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों तत्कालीन एसडीएम मुकेश बिना इजाजत लिए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुँच गए थे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस ने नया प्रयोग करते हुए युवाओं को तरजीह दिया है और अभी तक कांग्रेस राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को टिकट दे चुकी है जिनमें से 4 युवाओं को टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा भी युवा प्रत्याशियों के तलाश में लगी हुई है। चौकीदार पर हो रही राजनीति के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चौकीदार को लेकर भाजपा पर निशाना साधने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम भी अपने नाम के आगे पप्पू लिख लो, हमें बिल्कुल एतराज नहीं होगा। बिहार महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मथापच्ची के बीच पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर नरमी दिखाते हुए कहा कि मैं महागठबंधन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब लालू और नीतीश एक हो सकते हैं तो भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। अनिल अंबानी ने इरक्सन का बकाया 462 करोड़ रुपए चुकाने पर अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को भावुक होते हुए धन्यवाद दिया।
और कहा कि भाई और भाभी ने उनकी समय पर मदद करके परिवार के मजबूत मूल्यों और परिवार के महत्व को रेखांकित किया है। ब्राजील के कैंपियांस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के जरिए दावा किया है कि रोजाना जिम करने से फैटी लीवर और मधुमेह जैसे रोगों से बचा जा सकता है। यूनियन बैंक ने फायर ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर एवं फॉरेक्स ऑफिसर के कुल 181 रिक्त पदों हेतु भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 27 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलवामा मामले में पाकिस्तान के साथ मैच बॉयकॉट करने की मांग के बीच पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलने की अपील करते हुए कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप फाइनल होता है तो भारत को तब भी फाइनल मैच नहीं खेलना चाहिए। 21 मार्च को रिलीज होने वाली अभिनेता अक्षय कुमार की केसरी के निर्देशक अनुराग सिंह ने अक्षय के व्यवहार को लेकर खुलासा करते हुए कहा है कि उनमें ईगो जैसी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उनमें स्टार्स जैसे नखरे हैं। पांचों उंगलियों का घी में होना किसे कहते हैं, यह इस समय आलिया भट्ट से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि करण जौहर की ब्रह्मास्त्र, कलंक, बाहुबली मेकर्स की RRR के बाद अब आलिया ने सलमान खान के साथ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म इंशाल्लाह साइन कर ली है। YouTube म्यूजिक, YouTube प्रीमियर सर्विस भारत में शुरू, फ्री में सुन सकते हैं मन पसंदीदा गाने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि Google की वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने अपने यूजर्स के लिए ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा YouTube म्यूजिक और YouTube प्रीमियर को भारत में शुरू कर दिया है। यूजर्स के पास फ्री ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीम करने के लिए Spotify, Amazon म्यूजिक, जियो सावन, गाना, एयरटेल विंग जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। YouTube के मुताबिक YouTube और YouTube म्यूजिक दोनों ही सर्विस यूजर्स को स्टैंड अलोन ऐप के जरिए मिलेगा। अब TVS के साथ मिलकर BMW भारत में बनाएगी अपनी बाइक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि BMW मोटर ने जर्मनी से बाहर निकलकर भारत में अपनी मोटरसाइकिल बनानी शुरू कर दी है, ताकि भारत में मौजूद BMW से प्यार करने वाले लोगों को किफायती कीमतों में एक बेहतर मोटरसाइकिल मिल सके। ऐसे में कंपनी ने अपनी G310R लॉन्च करके प्रीमियम ब्रांड को पसंद करने वाले लोगों के लिए नया रास्ता खोला है। कंपनी इसे TVS मोटर के सहयोग से भारत में मौजूद होकर प्लांट में ही बना रही है। ये पहली BMW बेबी बाइक है जो अधिक कॉम्पैक्ट और 500 सीसी से नीचे जर्मनी ब्रांड की पहली मोटरसाइकिल है। बुगाटी हुई और भी सस्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने एक सस्ती बुगाटी कार आ जाए तो कैसा लगेगा, जिसकी कीमत भारत में बेची जा रही होंडा CRV से भी कम हो। बुगाटी के पास हाइपर कार जैसे वायरन और चिरोन है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है, और अब बुगाटी टॉय सेक्टर में उतर चुकी है, जिसमें कंपनी ने अपनी बुगाटी बेबी सेकंड राइड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किया है। ये बुगाटी बेबी फर्स्ट से प्रेरित है और ये एक खिलौना कार है जिसे बच्चे और बड़े दोनों चला सकते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए रखी है। इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2019 पायलट और अन्य पदों के लिए करें अप्लाई, योग्यता है ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन नेवी SSC रिक्वायरमेंट 2019 के तहत नेवी ने योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी जो 5 अप्रैल 2019 तक चलेगी। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट joinindianavy.gov.in पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। अगर दिल्ली में चाहते हैं अपना घर तो ये मौका बिल्कुल न गवाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में घर का सपना देखने वालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नई हाउसिंग स्कीम के लिए आवेदन की तारीख का ऐलान कर दिया है। DDA की वर्ष 2019 के लिए नई आवासीय योजना के लिए 25 मार्च से आवेदन मंगाए जाएंगे। इसका ड्रॉ लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद निकाला जाएगा। योजना से संबंधित पूरी जानकारी DDA की वेबसाइट पर मिलेगी। नोएडा के 15 गांव में लगेंगे ओपन जिम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा के गांव का विकास सेक्टर की तर्ज पर होगा। इसके लिए विधायक पंकज सिंह ने निर्देशक पर प्राधिकरण ने योजना बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने 15 गांव में अपने ओपन जिम लगवाने का फैसला किया है। अथॉरिटी के सहायक राजेंद्र सिंह ने बताया कि ओपन जिम लगाने की शुरुआत होशियारपुर गाँव से होगी। मलाइका अरोड़ा से शादी को लेकर अर्जुन कपूर ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं कि दोनों कपल अब शादी के बंधन में बंधने जाएंगे। ऐसे में अर्जुन कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अभी वह इस रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं कहेंगे, वह इस पर कोई बात भी नहीं करेंगे। जब सही समय आएगा तब सबको पता चल जाएगा। अर्जुन ने यह भी कहा कि उन्हें अपने बारे में जुड़ी अफवाहों को फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
होता। वो इन बातों से कभी परेशान नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सेलिब्रिटी होने की बहुत छोटी कीमत है। एक मिस कॉल से जान सकते हैं आप अपना पीएफ का बैलेंस, नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस के चक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड निकालने को लेकर सरकार ने नियम को बेहद आसान कर दिया है। अब घर बैठे पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूएन नंबर का मालूम होना जरूरी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 0112290104 पर मिस कॉल करनी होगी। इसके बाद SMS के जरिए पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पीएफ बैलेंस है। जीवी ने शाओमी से कम कीमत में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फ्यूचर वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीवी मोबाइल ने शाओमी को चुनौती देते हुए अपने बजट में 3 स्मार्टफोन एक्सट्रीम 3, एक्सट्रीम 3X और एक्सट्रीम 7 लॉन्च किए हैं। इनमें से 2 स्मार्टफोन एक्सट्रीम 3, एक्सट्रीम 3X की कीमत 5,000 रुपए से कम है, जबकि एक्सट्रीम 7 की कीमत 6,000 रुपए से कम है। इन तीनों ही स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे आधुनिक फीचर दिए गए हैं। इन तीनों स्मार्टफोन को यूजर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चैनल के माध्यम से खरीद सकते हैं। फेसबुक पर नहीं वायरल होंगे अश्लील फोटो और वीडियो, कंपनी ने तैयार किया AI टूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामले को रोकने के लिए फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा टूल तैयार किया है जो खुद अश्लील फोटो और वीडियो को ढूंढेगा और उन्हें डिलीट भी करेगा। ये टूल खासतौर पर बदला लेने की मंशा से पोस्ट की गई है। अश्लील तस्वीरों को वायरल होने से रोकने में मदद करेगा। पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर वायुसेना की एयर स्ट्राइक से लोकसभा चुनाव में NDA को फायदा होता दिख रहा है और इसको लेकर किए गए एक सर्वे में दावा किया गया है कि एयर स्ट्राइक से NDA को 13 सीटों का फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले किए गए सर्वे में NDA को 270 सीटें मिल रही थी, जबकि पुलवामा मामले के बाद किए गए सर्वे के बाद NDA को 283 सीटें मिलती दिख रही है। प्रमोद सावंत ने गोवा में मनोहर पर्रिकर की विरासत संभाल ली है। जी हां, प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने कल देर रात राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार महागठबंधन में सीटों का पेच फंसता ही जा रहा है और ऐसे में RJD नेता तेजस्वी यादव ने सख्त कदम उठाते हुए कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कांग्रेस या तो 8 सीटों पर मान जाए या फिर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले PM नरेंद्र मोदी देश की 100 से अधिक लोकसभा सीटों पर आम लोगों से सीधे संवाद कर चुके हैं, जहां चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए BJP कई बड़े कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। वहीं PM नरेंद्र मोदी भी 28 मार्च से आम लोगों को संबोधित करने के लिए चुनावी जनसभाओं को श्रृंखलाबद्ध शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर चौकीदार कैंपेन के बाद गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी ट्विटर पर अपना नाम बदल लिया है और जहां PM मोदी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया था, वहीं अब हार्दिक पटेल ने बेरोजगार शब्द का प्रयोग किया है, जिसके बाद हार्दिक के समर्थकों ने भी बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इलेक्शन वॉच एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सांसदों की संपत्ति को लेकर अपने अध्ययन के जरिए दावा किया है कि पिछले 2009 से 2014 के UPA शासनकाल के दौरान 153 सांसदों की औसत संपत्ति की वृद्धि 7.81 करोड़ रुपए रही और इसी दौरान BJP सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार JDU के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें बिहारी डकैत करार दिया और कहा कि बिहारी डकैत प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में उनके लाखों वोट कटवा दिए। पुलवामा घटना के बाद मसूद अजहर मामले में वीटो लगाने के बाद भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का दबाव झेल रहे चीन ने अपने रुख में बदलाव का संकेत देते हुए पहली बार 2008 की मुंबई घटना को सबसे कुख्यात उग्रवादी कृत करार दिया है। भारतीय बैंकों के 13,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी ब्रिटेन में बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन अब वो बेखौफ नहीं घूम पाएगा क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटेन की अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा भाजपा ने चुनाव प्रबंध का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत भाजपा के 16 वरिष्ठ नेताओं को राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नकदी संकट का सामना कर रही 25 साल पुरानी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल ने अपने 16,000 कर्मचारियों को पत्र लिखकर कंपनी की माली हालत के बारे में बताते हुए कहा है कि भरोसा रखें, कंपनी में अस्थिरता बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसे जल्द ही सुचारू बना लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमर कस लिया है, जिसके तहत नेशन फर्स्ट, वोटिंग मस्ट और युवा मतदाता भाग्य विधाता अभियान के जरिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से शुरू हुआ अभियान अब ड्राइंग रूम गोष्ठियों में तब्दील हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की 5वीं सूची आज जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ से ओपी शर्मा का टिकट काटकर हरेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा पर भरोसा जताया है। 3600 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर डील मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स यूके में अपने परिवार को फोन करने के बजाय इटली में अपने कानूनी सलाहकारों को फोन कर इस मामले से बचने के तरकीब निकालने की कोशिश कर रहा है। बाबरी मस्जिद व श्री राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में पैरोकार मौलाना महफूज रहमान और मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला खान ने इस मामले में केंद्र सरकार और राम भक्तों की अपीलों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगर में स्थित वेदांता लिमिटेड के एल्यूमिनियम संयंत्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प का मामला सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक सुरक्षा कर्मी को जिंदा फूंक दिया और इतना ही नहीं, इस झड़प में 2 लोगों की जान भी चली गई। बेनामी संपत्ति मामले में एक बार फिर से अभिनेता शाहरुख खान पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सहायक प्राधिकरण ने जांच के बाद शाहरुख खान के खिलाफ आरोप खारिज कर दिया था, लेकिन इस मामले को आयकर विभाग ने अपने हाथों में ले लिया और इस मामले को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ दिलाने के लिए परिषद नया कानून बनाने पर विचार कर रही है और आज होने वाली जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ इस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले बैठक में परिषद ने निर्माणाधीन और किफायती मकानों पर जीएसटी दरें घटाने का फैसला किया था। पिछले 60 सालों से भारत में निर्वासित जीवन बिताने वाले तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने ऐलान किया है कि यह संभव है कि मौत के बाद उनका अगला अवतार भारत में ही हो। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीनी नहीं होगा। चुनाव में सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज कई सोशल मीडिया के अधिकारियों को बुलाया है और इस दौरान इस बात पर चर्चा किया जाएगा कि चुनाव के दौरान किसी भी हाल में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।